ये बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा पुरानी लग रही है। इंजन देखिए इसमें किस तरीके का, इस पहले इंजन आता था इसमें। ऑटो एक्सपो में आप नए नए व्हीकल तो बहुत सारे देख रहे होंगे और नई नई आने वाली टेक्नोलॉजी भी देख रहे होंगे। आइए मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाता हूँ, कुछ पुरानी टेक्नोलॉजी दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सभी टू व्हीलर्स खड़े हुए हैं जो कि पुराने टाइम पर आते थे। जैसे कि यहाँ पर खड़ी हुई है सबसे पहले तो राजदूत GTS, मैंने तो इसको कभी नहीं देखा, मतलब इस तरीके की भी बाइक आती थी। आइए मैं आपको ये सभी बाइक्स जो हैं अच्छे से दिखाता हूँ। कुछ को तो मैं पहचान पा रहा हूँ, कुछ को बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रहा हूँ, कंपनी भी नहीं पहचान पा रहा हूँ, मैंने तो कंपनी भी नहीं सुनी हुई है, ठीक है, लेकिन मैं आपको सब दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर एक स्कूटर खड़ा हुआ है, ये देखिए डुअल टोन में है, इसका नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है DLY8888। कंपनी का नाम मुझे नहीं पता है कि कौन सी कंपनी है, ठीक है, और मैं इसको समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पीछे की तरफ 59 लिखा हुआ है। एग्जॉस्ट का बटन कुछ इस तरीके का है, स्प्लिट सीट मिलती हैं, ये देखिए डबल सीट है, अलग अलग है। फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम कुछ इस तरीके का है, ये है इसकी प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। ये देखिए हेडलाइट हेलोजन बल्ब के साथ में मिलती है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कौन सी कंपनी है। ये देखिए आप पहचानिए, अगर आप पहचान गए हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, लेकिन वाकई में काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन लग रहा है। यहाँ पर एक बाइक खड़ी हुई है, इसकी भी मैं कंपनी नहीं पहचान पा रहा हूँ कि किस कंपनी की है, लेकिन ये बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा पुरानी लग रही है, बहुत ज़्यादा पुरानी लग रही है। ये देखिए स्पोक व्हील का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, हेडलाइट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, हैलोजन बल्ब के साथ में ही मिलती है, ठीक है। इंजन का डिज़ाइन आप देख लीजिए कितना पुराना है और किस तरीके के कॉन्सेप्ट में है। ये देखिए ब्रेक लीवर, एग्जॉस्ट का पैटर्न, फ्रंट में ही सॉकर मिलते थे, और इसमें देखिएगा इसमें सस्पेंशन नहीं है, रियर में साइड सीट में होंगे। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखिए इसका कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है, काफ़ी ज़बरदस्त। पहले की भी टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी थी, और इसमें डबल साइलेंसर मिलते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि उस ज़माने में डबल साइलेंसर काफ़ी गजब बात है। यहाँ पर खड़ी हुई है यामाहा की 350 टॉर्क इंडक्शन, ये देखिए कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है इसका। ये कितना हैवी इंजन लगा हुआ है इसमें, डिज़ाइन के हिसाब से इसमें काफ़ी ज़्यादा हैवी इंजन लग रहा है। ये देखिए सिंगल सीट है, डनलप का स्टिकर लगा है, यहाँ पर इसका नंबर भी लिखा हुआ है HYG3722। ये देखिए फ्रंट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, हैलोजन बल्ब के साथ में ही साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, और हेडलाइट भी हैलोजन बल्ब के साथ में ही मिलती है। अच्छा, उस वाली बाइक में एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखिए, उसमें कोई भी साइड टर्न इंडिकेटर्स नहीं मिलते हैं, साइड टर्न इंडिकेटर्स नहीं है भाई उसमें। सस्पेंशन मुझे दिख गया, ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए सीट के नीचे रेड कलर का दिखा। ओके, स्कूटर में भी साइड टर्न इंडिकेटर्स नहीं है, इसमें साइड टर्न इंडिकेटर्स मिलने लगे हैं। देखो MG है, हाँ यार MG है पुरानी हमारे यहाँ थी। ये है BMW की बहुत पुरानी बाइक, ये देखिएगा मैं आपको इसका लोगो दिखा देता हूँ। ये देखिए इसको तो मैंने दूर से ही पहचान लिया कि ये BMW की बाइक है, और ये है इस बाइक की प्रॉपर राइड प्रोफाइल। ये देखिए इंजन देखिए इसमें किस तरीके का, इस पहले इंजन आता था इसमें, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त। पहले की भी टेक्नोलॉजी बहुत ही अलग थी, रियर ब्रेकिंग सिस्टम आप देख सकते हो, स्पोक व्हील देख सकते हो, मुझे लग रहा है इसकी काफ़ी अच्छे से डेंटिंग वेंटिंग की गई है, इसी वजह से ये इतनी चमक रही है। ये देखिए रियर सस्पेंशन का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। पहले चैन ड्राइव नहीं हुआ करती थी, ये देखिए इसका नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है PUJ3573। और यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि इसमें आपको साइड टर्न इंडिकेटर्स नहीं मिलते हैं, ये देखिए कोई भी इसमें साइड टर्न इंडिकेटर्स नहीं है। सबसे अलग तो मुझे इसका इंजन ही लगा है, ये देखिए इसकी प्रॉपर रियर प्रोफाइल भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
ये देखिए कुछ इस तरीके की है, ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और मैं आपको इसका टैंक दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके के डिज़ाइन में है ये। और आगे चलते हैं, यहाँ पर भी यामाहा की 350 ही खड़ी हुई है, ये देखिए इसमें साइड टर्न इंडिकेटर्स मिलने लगे हैं। और वहाँ पर एक अलग बाइक खड़ी हुई है, आइए उसको कवर करते हैं। ये देखिए कंपनी, मैं इसकी नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन सी कंपनी है। ये देखिए स्पेयर व्हील पीछे की तरफ लगा हुआ है, ये देखिए साइलेंसर इसका किस तरीके के पैटर्न में दिया हुआ है। यहाँ पर इसका नंबर लिखा हुआ है DEX 7694। ब्रेकिंग सिस्टम एंड इसके सस्पेंशन फ्रंट में देख सकते हो कुछ इस तरीके के हैं। ये देखिए इंजन का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। बॉडी के हिसाब से इसका इंजन जो है काफ़ी ज़बरदस्त बड़ा लग रहा है। और इसमें किक स्टार्ट का फीचर लेफ्ट साइड में मिलता है और गियर का भी सिस्टम लेफ्ट साइड में ही मिलता है। फ्रंट में और रियर में सस्पेंशन मिलते हैं, इस साइड से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओह माय गॉड, राजदूत GTS। राजदूत है भाई ये तो। ये देखिए काफ़ी ज़बरदस्त, इतनी ही बाइक यहाँ पर लगी हुई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर दी हैं।